हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली व्लॉग। एंड आज का जो व्लॉग है उससे स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से। एंड आज बना रही हूं मैं पनीर, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना रही हूं। और यहाँ तेल गर्म हो गया था, मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं किया और उसमें मैंने टमाटर कट करके डाले हैं। टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया है, उनको कट करके डाला है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसको पकने दूंगी मैं थोड़े से टाइम के लिए, 2-4 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही पकने दूंगी लो फ्लेम करके। और जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो मैं इसमें नॉर्मल जो मसाले होते हैं जो हम डेली यूज़ में लेती हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, तो वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले अच्छे से ऐड होने के बाद मैं इसको करूँगी थोड़ा सा मिक्स। तो अभी मसाले सारे ऐड हो गए हैं, ऐड कर लिया मैंने। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा पकने देना है। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक अच्छे से मसाले पक न जाएँ। और अभी 3 से 4 मिनट में ही मसाले अच्छे से हो गए हैं और साइड से चूरना स्टार्ट हो गया है। तो मैं जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और अभी इसको अच्छे से और पकाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी तो मैंने इसमें जस्ट पानी अभी मिक्सी किया है और अभी इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको पकने के लिए। और जब पानी अच्छे से हो जाएगा, मतलब पक जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये शाही पनीर मसाला। तो ये मैं पनीर ऐड करने वाली हूँ। एंड ग्रेवी जो है वो अच्छे से हो गई है, तो ये अभी मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, शाही पनीर मसाला। और इसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, बस थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच तक ही इसको ऐड किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले मिले हुए हैं। तो मैंने इसको पूरा ऐड नहीं किया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो है तीखी सी हो जाती और इतनी ज़्यादा है भी नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला रहता है। तो अभी मैंने इसमें पनीर को ऐड कर दिया है और पनीर को पहले फ्राई नहीं किया मैंने, इसको ऐसे कट करके इसमें ऐसे ऐड कर दिया है। और अभी इसको भी थोड़ा सा पकाएँगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक ही मैं पनीर को पकाने वाली हूँ लो फ्लेम में, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो पनीर बहुत ज़्यादा मतलब पक जाएगा। तो ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और पनीर जो सब्जी है वो अच्छे से बन चुकी है। ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हुई है मॉर्निंग टाइम से और एक रेसिपी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो एक बार आप ट्राई जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और अभी आपको वैसे पता चल ही होगा किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, माय टाइटल आपको पता चल गया होगा। तो उस तरीके के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आप भी जो है हमारी वीडियोज़ देखो और हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया तो आप रिटर्न करो हमें, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मतलब ये कि मुझे उनके चैनल में, चाहे मुझे उनके चैनल पसंद हो ना हो, बट मैं चैनल सब्सक्राइब करूँ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मैं वॉच करूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ वॉच करी है। मैं उन्हें कॉमेंट्स करूँ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे कॉमेंट्स किया है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज मैं भी बहुत कम कमेंट्स वगैरह करती हूँ, मैं भी वीडियोज़ वगैरह वॉच करती हूँ। तो बहुत सारे जो मतलब वैसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, जैसे कि जिसके जिनके व्यूज़ कम आते हैं उनमें मैं भी, मतलब ये नहीं कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसे कि कम व्यूज़ आ रहे हैं तो सपोर्ट हर किसी को चाहिए होता है। बट ये वाला जो सपोर्ट है ये मेरे को नहीं पसंद आता कि आप प्लीज सब्सक्राइब करो तो हम भी सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा करते करते हम कितने सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कब तक करेंगे। अगर आपको एक करियर बनाना है यूट्यूब में तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैं तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी डिपेंड करता है कि सामने मतलब जो देख रहा है उसको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो उस तरीके के कॉमेंट्स आज भी सेम कॉमेंट्स आए थे कि मैंने आपकी वीडियोज़ को फुल वॉच किया है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन जो होती है उसको प्रेस कर लिया है। तो आप भी ये सारी चीज़ें करो और 24 घंटे के अंदर मेरे को रिटर्न कर देना ये सारी चीज़ें, मतलब आप भी कमेंट्स वगैरह करके बता देना कि आपने ये वॉच कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया है। और जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चल ही गया था रिटर्न का कह रहा है, तो यही चीज़ें होगी। फिर मैंने एक बार कन्फर्म करने के लिए उनका रिटर्न का मतलब क्या, तो फिर उनका कमेंट्स आया कि आपको मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर ली, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमारी ना दोस्ती हो नहीं सकती। मैंने फिर यही कहा कि अगर इसलिए आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
सो उसके बाद तो अभी तक कोई आंसर आया नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तब तक अनसब्सक्राइब कर देते वो। अभी तक मेरा जो सब्सक्राइबर है वो कम नहीं हुआ है, और वैसे भी जो यूट्यूबर होते हैं वो जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक नोटिफिकेशन आ जाती है, सो उन्होंने तो नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। बाकी और जो इससे पहले जिन्होंने कॉमेंट्स किया था कल, उनकी नोटिफिकेशन आई थी, तो आई थिंक मैंने उनको भी रिटर्न नहीं किया है, तो शायद उन्होंने मतलब हट गए वो मेरे चैनल से, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरा कम हुआ था कल। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता इन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। और रही बात सपोर्ट की, तो भाई मेरा भाई भी यूट्यूब पर है, तो उसके भी कुछ अच्छे व्यूज़ आते हैं, मैं उसको बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा मेरा वो करते हैं, मतलब कम्युनिटी वगैरह पे पोस्ट वगैरह डाल दिए कोई लिंक चैनल का, कोई वीडियोस मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मैं उसे बोल सकती हूँ, और भी हैं हमारे आसपास कुछ यूट्यूबर हैं, उनका भी सपोर्ट मतलब ले सकती हूँ, उनसे हेल्प ले सकती हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से अपने चैनल को ग्रो करूँ, खुद अपनी मेहनत से करूँ, तो इस वजह से मैं उन्हें नहीं बोलती हूँ कि आप करूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए कि रिटर्न करूँ मैं आपको, और बिना मतलब कि आप मेरे वीडियोज़ देखो। ऐसे मैंने बहुत सारे पहले भी एक बार कॉमेंट्स आया था कि थी मतलब ऐसे होने वाली मोदी वगैरह थी, मैं ना बहुत टाइम से आपके वीडियोज़ देखता हूँ, फुल वॉच करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो यार उन्होंने मेरे को उससे पहले कभी कमेंट्स किया ही नहीं था, तो मैं मुझे कुछ सपने थोड़ी हो रही कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, हमें पता चलता है आपके कमेंट्स वगैरह करने से कि हाँ कोई मेरी वीडियोस देख रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ इसीलिए कमेंट्स करते हैं ताकि हम उन्हें रिटर्न करें, चाहे हमें उससे पसंद आ रही है, और उन्हें भी चाहे हमारे चैनल में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बट वो देख रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको रिटर्न मिलेगा, उनकी सब्सक्राइबर्स गेन हो गए ऐसा करके। तो ऐसा करके हम बहुत आगे तक तो नहीं जा पाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा बट बहुत आगे तक ऐसा करके हम नहीं जा सकते हैं। मुझे जो पसंद होता है, जिनके ब्लॉग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें ही वॉच करती हूँ, उन्हें ही देखती हूँ, और आपको भी वही करना चाहिए, उन्हें ही देखें, उन्हें ही वॉच करें। ये रिटर्न का पता नहीं कब तक चलेगा, इतने रिटर्न करने से हम कितना जो है सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं उससे आगे। अगर आपको एक करियर बनाना है तो उसके लिए आपको खुद से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। सो ये रिटर्न का तो मैं बिल्कुल सोचती नहीं हूँ, मैंने सोचा था मैंने आज एक प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी, बट ये रिटर्न के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा ये ब्लॉग लेंथी हो जाएगा, मैं चाहती हूँ मेरा ब्लॉग ज़्यादा लेंथी हो, तो इसका मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे स्क्रीन शॉट वगैरह इस बार मैंने कोई नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैं मतलब ये नहीं कि उनका कोई वो कर रही हूँ, उनके लिए कुछ गलत बोलूँ, मैं बस ये कह रही हूँ मेरे को नहीं अच्छा लगता ये रिटर्न वाला जो सिस्टम है, भाई जानबूझ के अब करो। मैंने बहुत सारे चैनल देखे भी हैं जिनमें सिर्फ कमेंट्स आए हुए रहते हैं, जो यूट्यूबर हैं दूसरे उनके कमेंट्स आए हुए रहते हैं, वैसे कमेंट्स उनको बहुत कम रहते हैं। मेरा चैनल अगर आपने देखा होगा तो मेरे समय यूट्यूबर के कमेंट्स बहुत कम आए हुए रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा भी किसी से कनेक्टेड हूँ नहीं, ज़्यादा मैं किसी से कनेक्टेड हूँ नहीं, और जो देखते हैं वो अपनी मर्ज़ी से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने उनसे बोला हुआ कि आप मेरा देखूँ मैं आपका देखूँगी, तो ऐसा मैं मेरा ये कि अपनी मेहनत से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, नहीं तो ऑप्शन मेरे पास भी बहुत सारे हैं, मुझे रिटर्न का इतना वो नहीं है। मैं अपनी फैमिली में अपने भाई से कह सकती हूँ, बाकी मैं और भी हैं कुछ आसपास जो रहते हैं हमारे, जिनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है चैनल, तो उन्हें भी मैं कह सकती हूँ, बट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। तो अपनी मेहनत करिए और उससे ही फिर आप आगे बढ़ेंगे, रिटर्न करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो मैं इस ब्लॉग का ये पे एंड कर देती हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इस ब्लॉग का मैं ये भी कर देती हूँ एंड मिलूंगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।